चाचा जी, प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है पूरे प्रदेश में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। एक तो इस वैश्विक बीमारी कोरोना से परेशान है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से परेशान। कहीं पर भी कहीं पर कोई व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, लोग परेशान हैं। रोजगार की जो स्थिति है उस पर देखिए, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, नौकरियाँ खत्म होती चली जा रही है। तो मैंने तो अपने देखिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, जितने भी बेरोजगार हुए हैं लोग और जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं, सब लोगों से हमारे लोग संपर्क कर रहे हैं, सूची बना रहे हैं और जब भी हम लोग सरकार बनाएंगे जरूर उनको नौकरी देने का काम। चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है कि प्रसपा पार्टी और जो सपा पार्टी है एक हो चुकी है, क्या है ये? बड़ी जोरों से चर्चाएं हो रही हैं, क्या ये सत्य है? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी अलग है, समाज पार्टी। मैंने तो यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सब लोग एक हो, छोटे दल जितने भी दल हैं एक हो। तो मेरा प्रयास है सब लोग एक होकर के लड़े। तो आने वाले 2022 में प्रसपा और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी या समाजवादी पार्टी में रहकर प्रसपा चुनाव लड़ेगी? हमारा तो प्रयास है सभी का, छोटे दल हैं जितने भी हैं, छोटे बड़े दल इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। एक बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास को लेकर वादे कर रही है, क्राइम रोकने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है, क्या सबका साथ सबका विकास क्राइम कितना रुका है, क्या कहना है? सभी परेशान हैं, न सबका विकास हुआ है, न सबका साथ दिया गया है। और इसमें देख ही रहे न तो इस वैश्विक बीमारी से मुकाबला भी नहीं कर पा रहे, स्वयं जनता अपने आप मुकाबला कर रही है और जनता को स्वयं मुकाबला इस वैश्विक बीमारी से करना। जिस तरीके से अभी आपने कहा है